बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम डूंगरिया में पीड़िता के परिजन का कहना है कि शाम के समय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उसी दौरान आरोपी चाय पिलाने का लालच देकर बच्ची को घर के अंदर ले गया, जहां आरोपी ने मासूम को अपने हवस का शिकार बनाया। वहीं बच्ची रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने डायल 100 को फोन किया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल करने पहुंचे परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। हालांकि बाद में बच्ची का मेडिकल टेस्ट किया गया। 9 बजे थाना उपस्थित आकर जबानी रिपोर्ट लिखाई कि उसका पड़ोसी प्रेम सिंह हाड़े, पिता अभिमन्यु सिंह हाड़े द्वारा उसकी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी की तत्काल दस्तयाबी करके और गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया है और उस बच्ची का भी मुलाजा के लिए अस्पताल बालाघाट भेजा गया है और उसमें कार्रवाई कठोरतम की जा रही है। सर, कैसी घटना को अंजाम दिया इस उसमें? चूंकि बच्ची उसके पड़ोस में रहती थी तो उसने चाय पिलाने के उसमें बुलाया था उसने और चाय पिलाने के बाद उसको अपने घर के तीसरे फ्लोर में ले गया, निर्माणाधीन फ्लोर था तो उसमें उसके साथ उसने दुराचार किया। सर, घटना कितने समय की? घटना करीब शाम 5 बजे करीब की है, 5:18 5:19 के शाम 5 बजे।